इस वक्त हम अमर होटल पर खड़े हुए हैं। आज लॉकडाउन का असर आगरा में देखने को मिल रहा है। जैसा कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन का 55 घंटे का जो लॉकडाउन जो अनाउंसमेंट किया गया है, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, एसआई खड़े हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। एक एक शख्स के आने और जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। अगर कोई बाइक से आता है तो भी पूछा जाता है, अगर कोई कार से भी आ रहा है तो भी पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक वो सामने वाले को जाने नहीं देते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से किसी भी अगर गाड़ी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि यार कहाँ जा रहे हैं। सर क्या नाम है? ऑफिस आई एम वर्किंग इन अ रेलवे। यू आर वर्किंग इन अ रेलवे, दैट्स व्हाई। फ्रॉम व्हिच प्लेस यू आर गोइंग सर? आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, तो यू विल हैव टू टेक टर्न फ्रॉम दिस साइड? नो नो नो, ओनली दिस वे। ओनली दिस वे, ओनली दिस वे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू नियर द रेलवे एंड ही इज़ वर्किंग इन द रेलवे डिपार्टमेंट, दैट्स वाई ही इज़ गोइंग। उन्होंने बताया कि मैं रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अगर अदरवाइज ये देख सकते हैं कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस डिपार्टमेंट के रोकने के बावजूद भी कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। यहाँ पर एक एक शख्स की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो है डिवीज़न चौकी इंचार्ज निमरेश कुमार खड़े हुए हैं, वो बराबर लोगों से और इनके जो साथी खड़े हुए हैं, सहभागी खड़े हुए हैं, बराबर एक एक आने वाले और हर एक जाने वाले पर इनकी नज़र जो पहनी है। हर एक आने और जाने वालों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो है कि कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हम सुबह से खड़े हुए हैं, हर आने और जाने वाले की चेकिंग के बाद ही जाने देते हैं कि क्यों जा रहा है और कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर अभी हम नहीं सुधरेंगे तो हम लॉकडाउन और क्या इस लॉकडाउन का अगर पालन नहीं करेंगे तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हम निजात नहीं पाएंगे। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ मोहम्मद सलामुद्दीन, जनवा टाइम्स। पुलिस फोर्स जगह जगह पोस्ट बना के तैनात किया गया है। शासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सीओज और मजिस्ट्रेट लगातार चक्कर लगा रहे हैं और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके हाथों चालान कर रहे हैं, उनको दंडित किया जा रहा है। और जो लोग अपना वर्क प्लेस पर पहले से जाने के जो निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनके अनुसार ही, उन दिशा निर्देशों के अनुसार ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। सर लगातार जिस तरह से लॉकडाउन पहले हुआ था और अब लॉकडाउन हुआ था, कितनी छूट दी गई है किन सेवाओं के लिए? सेवाओं की जो छूट है, जो इंडस्ट्रीज जो शुरू हो गए थे, जो जिनमें कार्य शुरू हो गया था, उसमें ये निर्देश हैं उनको ना रोका जाए। वो इंडस्ट्रीज जो मालिक हैं वो अपना आईडी जारी करेंगे और उस आईडी के अनुसार वो उनको दिन में 2 बार, एक बार आने का एक बार जाने का, उन कर्मचारियों को छूट दी गई है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।